यहाँ पर एक खबर है, वो अपने नाजरीन से शेयर करते चलें कि बटग्राम के गांव पाश्तो झंगड़ी में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और कई घंटे से 8 बच्चे चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इंतहाई तकलीफदेह खबर है ये कि वो बच्चे सैर व तफरी के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो चेयर लिफ्ट है उसकी रस्सी टूटी है और कई घंटे गुजर चुके हैं आयशा, और बच्चे फंसे हुए हैं। ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकया होती रही है। उनकी रस्सियों का जो मसला आता रहा है, टेक्निकल फॉल्ट आते रहे हैं। पाकिस्तान में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से टूरिज़्म को प्रमोट नहीं किया जाता, हिफाजती मेजर्स नहीं लिए जाते हैं। बटग्राम का ये गांव है पाश्तो झंगड़ी, जहां पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और 8 बच्चे हैं जो इस वक्त चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, और अभी तक क्या उनकी सूरत हाल है। इतने घंटे गुजर चुके हैं आयशा, रस्सी ठीक है, रस्सी टूट भी गई है, लेकिन कुछ बताया जा रहा है उसमें कुछ असातिज़ा भी हैं। हाँ, अवाम खुद अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक इस हवाले से कोई लोग नहीं पहुंचे हैं। ये वो मनाज़िर हैं, ये विजुअल देखें कि बिल्कुल बस में ये चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटी हुई है। अब वो बच्चे कितने कर्ब के अंदर होंगे, कितनी अजियत के अंदर होंगे, लोग भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया गया। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक असातिज़ा समेत 8 अफराद हैं जो इस चेयर लिफ्ट में फंसे हैं और उन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। यानी एक एक लम्हा, एक एक मिनट उन पर कितनी अजियत वाला होगा। ये दो पहाड़ों के दरमियान चेयर लिफ्ट, ये दो पहाड़ों को जोड़ती है, उनके दरमियान ये एक रस्ते का जरिया है, और अब आप ये देखें उन दोनों पहाड़ों के दरमियान ही बिल्कुल वस्त में आकर ये चेयर लिफ्ट, और आप देखें कि वो उसकी बिल्कुल वो चेयर लिफ्ट दरमियान में आकर रुकी हुई है और रस्सी टूटी है, जिसके बायस बहुत ज्यादा खतरात हैं। लेकिन इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ना तो कोई रेस्क्यू के हवाले से कोई अमला वहां पर पहुंचा है, अवाम अपनी मदद आपके तहत वहां पर मसरूफ हैं। ये एक बहुत बड़ा आयशा सवालिया निशान भी है। नासिर अमीन हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे लेते हैं। नासिर, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। जी बिल्कुल मैम, ये वकुआ रोनमा हुआ है। तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब ये स्कूल के 8 बच्चे चेयर लिफ्ट में फंस गए थे, जिनको इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत, वहां पे लोग मौजूद हैं और जिले इंतजामिया या तहसील इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई जा चुकी। जबकि अभी ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 1122 के जो टीमें हैं बटग्राम की, वो वहां मौका पर पहुंची हैं, लेकिन चूंकि चेयर लिफ्ट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 9 से 10 हजार इब्तदाई इतलात के मुताबिक इसकी ऊंचाई बताई जा रही है, उस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं। नासिर, फॉल्ट क्या है, ये किस तरह से रुकी है चेयर लिफ्ट, और जो इंतजामिया है चेयर लिफ्ट इंतजामिया, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता? मैम, इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो इसकी वन साइडेड लाइन जो होती है, जो चेयर लिफ्ट को खींच के दूसरी जानब लेके जाती है, वो लाइन क्रैश होने की वजह से ये चेयर लिफ्ट एक साइड पे उल्टी हो चुकी है और बच्चे इसमें मौजूद हैं। 8 बच्चे इब्तदाई इतलात के मुताबिक बताए जा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अच्छा नासिर, ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी कहा, नजर भी आ रहा है कि चेयर लिफ्ट बिल्कुल उल्टी हुई पड़ी है और बहुत ज्यादा तकलीफ दे ये मनाजिर हैं, उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके वालिदैन इस चीज को, इस मंजर को देखकर क्या किस कर्ब में मुबतला होंगे। मकामी इंतजामिया से आपकी बात हुई हो या रेस्क्यू 1122 से आपकी बात हुई हो, किस तरह से इसको रेस्क्यू किया जाएगा, क्या हेलीकॉप्टर के बगैर इनको रेस्क्यू करना मुमकिन है, किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह इनको हिफाजत तौर पर लेकर आया जाएगा? अभी ताजा तरीन सूरतहाल के मुताबिक नजीर मोहम्मद जो मौका पर पहुंचे हैं, डीएसपी हैं वहां के, सर्कल डीएसपी हैं, वो मौका पर पहुंच चुके हैं और उनके मुताबिक अभी हेली के जरिए इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाना मुमकिन है, इसके अलावा इनको रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर अमीन आपका, हम आपसे लम्हा इस हवाले से अपडेट भी लेते रहेंगे, अपने नाजरीन को इसे आगाह भी करते रहेंगे। लेकिन आयशा, सवाल यह है कि गवर्नर हाउस को भी केपीके में हेलीकॉप्टर वहां पर होता है, जराए होते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा वक्त होता है, वसाइल को अवामी खिदमत के लिए क्यों उसमें डिले करते हैं? चलें, उम्मीद करते हैं आपने जाती तो रेस्क्यू किया जा सके।